हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द एनर्जी बैंड थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, व्हाई रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो दो तरह के बैंड्स क्रिएट होते हैं इन एनर्जी बैंड थ्योरी। ये वैसे एक तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, थ्योरेटिकल सिचुएशन है, बट इससे बहुत ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के बैंड्स क्रिएट होते हैं। वन इज वैलेंस बैंड एंड द अदर इज कंडक्शन बैंड। ठीक है, दो तरह के बैंड्स क्रिएट होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सारे के सारे व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 केल्विन। ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, तो इसमें डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस स्टेट में रहते हैं? वैलेंस बैंड में रहते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ टी इक्वल्स टू 0 केल्विन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? कंडक्शन बैंड, एम्प्टी। बट जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 केल्विन, है ना, हीट एनर्जी की वजह से सपोज इनको एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स किधर जाने स्टार्ट कर देंगे? कंडक्शन बैंड में जाने लग जाएंगे। ठीक है, वैलेंस बैंड से किधर जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन सपोज इधर आ गया, ये सही है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो वैलेंस बैंड में क्या रह जाएगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक होल रह जाएगा, सही है। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? एक होल रह जाएगा, सही है। तो दो तरह के बैंड्स क्रिएट होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में कब तक रहेंगे? एट 0 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होता है? 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस। जैसे इससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स किस बैंड में चले जाएंगे? हमारे हायर स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर किसकी बात करें हम, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करें। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात थी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? वैलेंस बैंड में। ठीक है, एट टेम्परेचर 0 केल्विन। जैसे एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थे। अब दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है, एन टाइप एंड पी टाइप, सही है। तो एन टाइप को हम क्या बोलते हैं? डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप क्या है? डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। तो डोनर टाइप सेमीकंडक्टर के होने से वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। ठीक है, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर होने से वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं वैलेंस बैंड की। अगर हम कौन से सेमीकंडक्टर की बात करें? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि एक और एनर्जी लेवल बन जाता है, डोनर एनर्जी लेवल, जो बिल्कुल कहाँ बनता है? कंडक्शन बैंड के नीचे एक डोनर बैंड बन जाता है, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, एक और बन जाता है डोनर एनर्जी लेवल, जिसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंट्रिंसिक में तो क्या करना पड़ रहा था? इतना बड़ा बैंड गैप क्रॉस करके फिर इलेक्ट्रॉन्स को जाना पड़ रहा था। अब जैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप आया तो एक और एनर्जी लेवल बन गया, ठीक है, डोनर टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो किधर चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक्सेप्टर टाइप, है ना, तो उसमें क्या होता है कि पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है सपोज, तो वह एक्सेप्टर टाइप होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ठीक है, तो जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड गैप की बात करें तो एक और एनर्जी लेवल डेवलप हो जाता है। कौन सा एनर्जी लेवल? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, कौन सा एनर्जी लेवल डेवलप हो जाता है? एक्सेप्टर, जिसकी एनर्जी कितनी है? ई ए। ये डोनर एनर्जी लेवल बना था जिसकी एनर्जी कितनी थी? ई डी। इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, अब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन गया,
वैलेंस बैंड से पहले इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ जाना पड़ रहा था, कंडक्शन बैंड में, ज़्यादा एनर्जी गैप कवर करके। अब क्या हुआ, एक और न्यू एनर्जी लेवल डेवलप हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना स्टार्ट कर जाएंगे, एक्सेप्टर में, और यहाँ क्या हो जाएंगे, होल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है किसमें, बैंड गैप्स में इन दी एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर। एन टाइप में तो क्या होगा, एक एनर्जी लेवल बन गया डोनर टाइप, और पी टाइप में क्या हो गया, एक एनर्जी लेवल बन गया एक्सेप्टर टाइप। जो डोनर टाइप होगा वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बनेगा, जो एक्सेप्टर टाइप होगा वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर बनेगा। ठीक है, चलो अब हम इन दोनों का फ्यूजन करवाएंगे, किसका, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक डायोड बनेगा, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पी एन जंक्शन। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब पी टाइप को एन टाइप पे क्या करना है, हमें इन्फ्यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास सपोज हमारे पास एन टाइप सिलिकॉन है, सपोज, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को हमने एन टाइप बना दिया। ठीक है, तो उस पर सपोज ग्रुप थ्री एलिमेंट को हमने इन्फ्यूज़ करना है, इंडियम को इन्फ्यूज़ करना है सपोज। ठीक है, तो इंडियम को इसके ऊपर कैसे लेयर इसकी डेवलप कर सकते हैं, इसकी लेयर डेवलप कर सकते हैं बाय हीटिंग इट। ठीक है, क्या होगा कि एन टाइप में इंडियम एटम लिया हमने, और इसको क्या कर दोगे, हीट कर दो। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पे जो सिलिकॉन मटेरियल का था उस पर एक लेयर डेवलप हो जाएगी, किसकी, इंडियम की। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये पी एन जंक्शन बन जाएगा ना, ये एन टाइप है। ठीक है, और ये इंडियम जो है ग्रुप थ्री से बिलोंग करता है ना, तो ग्रुप थ्री से बिलोंग करता है तो पी टाइप। ठीक है, तो पी और एन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जंक्शन हो जाएगा। सही है, उसके बाद अगर मेथड क्या है हमारे पास, कि सपोज हमारे पास पी टाइप सेमी कंडक्टर है, पी टाइप सिलिकॉनिया ले लूँ या जर्मेनियम ले लिया। ठीक है, इसको फॉस्फोरस और एंटीमनी गैस में हमने, ये इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है फॉस्फोरस, और कौन सी गैस है, एंटीमनी गैस है। ठीक है, और इसके वेपर्स में इसको हीट करेंगे, तो इसके इसको हीट किया तो क्या होगा हमारे पास, इसके सराउंडिंग में फॉस्फोरस या एंटीमनी की लेयर डेवलप हो जाएगी, दैट विल बी अ PN जंक्शन। ठीक है, दैट विल बी अ PN जंक्शन। तो N टाइप लेयर को इसमें डिफ्यूज किया हमने। ठीक है, तो जब वेपर्स में हीट करते हैं, दैट इज द डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, फर्स्ट वाला मेथड कौन सा था, एलोयस जंक्शन मेथड। तो हीटिंग के थ्रू हम PN जंक्शन को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे ही PN जंक्शन बन गया सपोज, है ना, PN जंक्शन बनते ही होगा क्या, वो देखते हैं हम। अब N टाइप्स में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस, कौन एक्सेस में, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, और पी टाइप में कौन एक्सेस में है, होल्स एक्सेस में है। ठीक है, एन टाइप में कौन एक्सेस में, इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप में कौन एक्सेस में है, होल्स एक्सेस में है। ठीक है, तो एन और पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो होगा क्या, कुछ के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन करेंगे, फिर हमारे पास एक कुछ एटम्स ऐसे रह जाएंगे जो कि एक साइड पे पॉजिटिवली चार्ज आइटम्स रह जाएंगे, और एक साइड पे क्या रह जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज आइटम्स। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पीएन जंक्शन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पीएन जंक्शन, कि अभी अभी सपोज पीएन जंक्शन हुआ है, तो होगा क्या, पी की तरफ होल्स हैं और एन की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो होल्स रश करेंगे किस तरफ, एन की तरफ, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ रश करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स पी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, और ये क्या कर जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे। ठीक है, ये क्या कर जाएंगे हमारे, रिकम्बाइन कर जाएंगे। ठीक है, तो इनके रिकम्बिनेशन से क्या होगा, कुछ एटम्स ऐसे हो जाएंगे जिनमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कुछ ऐसे एटम हो जाएंगे जिनमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे एटम्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज एटम किस तरफ एक्यूमुलेट होते जाएंगे, पी की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज एटम किस तरफ एक्यूमुलेट होते जाएंगे, एन की तरफ, और ये फर्दर इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कम्बिनेशन को रोक देंगे। सही है,
सो ये जो लेयर बनेगी अब यहाँ पर, ठीक है, ये कैसे चार्जेस है, इमोबाइल चार्जेस है, ये मूव नहीं कर रहे. इनिशियली क्या कर रहे थे, कौन से चार्जेस थे, मोबाइल जो मूव कर रहे थे, ये कौन से चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, इमोबाइल. ये कौन से चार्जेस हैं, ये वो एटम्स हैं जिनमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा. किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके होल में चला गया तो उस एटम का पे तो कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस जंक्शन जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पर एक्यूमुलेट होते जाएंगे. सिमिलरली यहाँ कुछ एटम्स ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे जिनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कम्बिनेशन को रोक देंगे. तो ये जो इमोबाइल चार्ज करियर की लेयर बनेगी, इसको बोलेंगे जंक्शन लेयर, ठीक है, जंक्शन पॉइंट. अभी देखो ये साइड पे कैसा चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो यानी ये एक इंटरनल बैटरी बन गई, फिक्टिशियस बैटरी, VB से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है, इंटरनल बैटरी बन गई, फिक्टिशियस बैटरी, ठीक है. तो इस अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जंक्शन से क्रॉस करके अगर जाना है तो उनके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जैसे क्यू चार्जेस को जंक्शन को क्रॉस करके जाना है तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए उनके पास, QVB, ठीक है. तो अगर इतनी एनर्जी होगी तो क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो अब फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर को मिलाएंगे कैसे हम, और कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन होल का, तभी सर्किट में करंट फ्लो करेंगे, ठीक है. तो इनको मिलाने का काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायसिंग, ठीक है. तो बायसिंग में देखो क्या होता है, थ्रू बैटरी जो हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, दैट इज बायसिंग, ठीक है. तो अगर पी टाइप के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया बैटरी का, और एन के साथ क्या कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, तो ये कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है. कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग. सिमिलरली ये पी है, ये एन है, ठीक है. इसके साथ अगर नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसके एन के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, तो ये कैसी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है, सही है. अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करवाने के लिए हम लगा देंगे एक एमीटर, ठीक है. अब फॉरवर्ड बायसिंग में ना रेजिस्टेंस कम रहता है, ठीक है. देखो फॉरवर्ड बायसिंग में इसमें हो पी टाइप में किसकी मेजोरिटी है, होल्स की, है ना, और एन टाइप्स में किसकी मेजोरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की. तो नेगेटिव रिपेल करेगा, ठीक है. जब इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी ग्रेटर देन दिस, तो वो बैरियर क्रॉस करके किधर चले जाएंगे, होल्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन होल दोबारा कंबाइन करेगा और सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया. तो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस लो रहते हैं, ठीक है, तो करंट हमें लार्ज मिलेगा, तो मिली एम्पियर में करंट मिल जाएगा हमें, ठीक है. इसी तरह से हम ये जो बैटरी हमने लगाई है इसकी वोल्टेज क्या है, वेरिएबल. तो कितनी वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखी है वो कैसे मेजर करोगे, दैट यू कैन मेजर बाय कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर, ठीक है. पीएन के अक्रॉस क्या कनेक्ट कर दो, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो, तो वो क्या मेजर करेगा, कितनी वोल्टेज पास कर रही है पीएन के अक्रॉस, और मिलीएमीटर से क्या पता चल जाएगा कितना करंट पास कर रहा है, सही है. उसके बाद देखो रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है. जो भी थोड़ा बहुत करंट होगा वो माइनॉरिटी चार्ज करियर्स की वजह से होगा, तो स्मॉल करंट किस रेंज में फ्लो करेगा, इसमें माइक्रोमीटर में, और अगेन ये वैल्यू वोल्टेज की वेरिएबल है, तो इसको वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दो, और करंट मेज़र करने के लिए हमने क्या लगा दिया, माइक्रोमीटर लगा दिया, ठीक है. और ये ही हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल सेट एक्सपेरिमेंटल सेटअप बन जाएगा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस का, ठीक है. अब पीएन जंक्शन का सिंबल हम क्या लेते हैं, ट्राइंगल एंड दिस लाइन, दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट पी साइड एंड लाइन रिप्रेजेंट एंड साइड, ठीक है. तो इसमें फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटी चार्ज करियर्स फ्लो करते हैं, ठीक है, और रिवर्स बायस में करंट बहुत स्मॉल होता है, किसकी वजह से, देखो ये हमारे पास यहाँ कौन सा टर्मिनल है नेगेटिव, ये कौन सा टर्मिनल है पॉजिटिव, ठीक है. तो ये नेगेटिव यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देगा, ठीक है, तो जिस वजह से जंक्शन की विड्थ क्या कर जाएगी हमारी, इंक्रीज. तो रिवर्स बायसिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, फॉरवर्ड बायसिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है. दिस वॉज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड, और ये ही इनका क्या बनेगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनेगा. थैंक यू.